सुन रहा है ना? इतनी सुबह हो गई है फिर भी दूध वाला नहीं आया है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। तुम ही जाकर दूध लेकर आओ। जब देखो मुझे ही काम बोल रही हो क्या तुम? हमारे नालायक बेटे है ना, उन्हें लेकर आने के लिए कहो। उन्हें मैं क्या कहूँ? तुम ही तो उन्हें नालायक कह रहे हो। वो अपने काम सही से करेंगे कहकर कैसे सोच रहे हो? मैंने जो कहा है वो सच्ची है, वो नालायक ही है। लेकिन अगर काम सही से नहीं किया तो मैं यहाँ पर हूँ ना उनकी अकल टिकाने के लिए। घर में काम की चिंता नहीं है, पढ़ाई की फिक्र नहीं है, कितने आराम से सो रहे हैं नालायक। उठो गधे के बच्चों, कब से सो रहे हो फिर भी तुम्हें नींद कैसी आ रही है? मर गए रे देवा। क्या बाबा, कोई अपने बेटे को ऐसे उठाता है क्या नींद से? कमर तो नहीं टूट गई ना मेरी? तेरी कमर इतनी आसानी से क्यों टूटने वाली है? वो मेरे ही हाथों में टूटेगी। लेकिन उठो अभी, कब तक सोएगा नालायक? पापा, मेरे आंखों में अंधेरा छा रहा है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ? मेरे होते हुए तू ये बकवास नहीं कर सकता है, तेरी डाल यहाँ पर नहीं गालेगी। सुबह सुबह ये क्या नौटंकी कर रहा है हो पिताजी? आपको और कोई काम नहीं है क्या? याउच! नालायक, सारे मेरे घर में ही रहेंगे तो मेरे पास इसके अलावा और कौन सा काम रहेगा? मुंह बंद करके जाकर दूध लेकर आओ। अरे काला, गाय तो है लेकिन दूध वाला नहीं है, क्या करे? गाय तो यही पर है ना, हमें दूध वाले से क्या मतलब? चल हम ही दूध निकालते हैं। हाय रे, मर गया, टूट गई मेरी कमर। अरे गधे, हमेशा ऐसे आइडिया ही क्यों देता है? चुप कर गधे, और सच बता कि तुझे दूध निकालना नहीं आता है, इसीलिए पिट गए। हटा, मैं करता हूँ। अरे गधा, अब बस करना अपनी ये हरकतें। एक बार और लात मार दी तो हम हमेशा के लिए लटक जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ। अरे कहाँ पर जा रहा है मुझे छोड़कर? मुझे भी अपने साथ लेकर जा कमीने कहीं के, ये फिर से आ रही है। नहीं, किसने खोली है उस गाय की रस्सी? कहाँ जा रहा है रे तू? हमें मारने से पहले उस गाय को रोक ले। सभी गायों की रस्सियाँ खुली है, उस एक ही गाय की रस्सी बांधी हुई है। तुमने सोचा भी कैसे कि वो समझदार है?